हेलो चिल्ड्रन, आपका स्वागत है हिंदी की कक्षा में। आज हम हिंदी में अ की रचना का दूसरा चरण और तीसरा चरण आज हम इनको सीखेंगे। पहले भाग में हमने दो अर्ध गोलाकार रचना द्वारा अ की रचना का प्रारंभिक चरण सीखा था और आज हम इसी क्रम में अ की रचना का दूसरा और तीसरा, इसको अंतिम रूप देते हुए अ की रचना को सीखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अ की रचना। जैसा कि आपको हिंदी में पता ही है, हम पांच रेखाओं द्वारा लिखित अभ्यास करते हैं और इसमें हम पहली रेखा जो कि लाल रेखा है इसको छोड़कर हम दूसरी रेखा यानी कि नीली रेखा से शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने पहले ये सीखा था, आज हम करेंगे नीली रेखा से शुरू करेंगे। एक हमने अर्धगोलाकार कुछ बनाई और फिर एक दूसरी बनाई, इसको हम ये चौथी वाली जो नीली रेखा है इसको जोड़ते हुए हम तीसरी रेखा तक लेकर जाएंगे। हमने ये सीखा था पिछले भाग में। आज हम ये जो बीच वाले नीली रेखा है तीसरे नंबर की, इस पर हम एक छोटी सी लेटी हुई रेखा बनाएंगे। ये हमारा दूसरा चरण है। देखिएगा, हम फिर यहाँ पर एक और लिखित अभ्यास करते हैं। अर्धगोलाकार रचना बनाई हमने, दोबारा बनाई उसको चौथी वाली नीली रेखा से जोड़ते हुए हम तीसरी नीली रेखा तक लेकर जाएंगे और इसके पीछे हम नीली रेखा के ऊपर एक छोटी सी लेटी हुई रेखा बनाएंगे। हमें फिर इसका एक बार और अभ्यास करेंगे। अर्धगोलाकार रचना, दूसरी अर्धगोलाकार रचना, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इसके पीछे हम एक लेटी हुई रेखा बनाएंगे। ये हमारा दूसरा चरण हो गया। तीसरे चरण में हम इसको पूरा बनाएंगे। तो देखिए, ऐसी रचना बनेगी हमारी। देखिए कैसे बनेगी, अर्धगोलाकार, दूसरा अर्धगोलाकार, इसको हम वर्तक लिखेंगे। हमने यहाँ पर इसको बुलाया, पीछे हमने एक लेटी हुई रेखा बनाई। अब हमारा ये दूसरा चरण हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम ये तीनों नीली रेखाओं को जोड़ते हुए एक सीधी खड़ी रेखा बनाएंगे और अब ये कुछ ऐसा लगने लगा ना। अब हम केवल ये जो खड़ी हुई रेखा है केवल इसके ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी लेटी हुई रेखा बनाएंगे। अब ये हमारा अ अनार का पूरा रूपरेखा तैयार हो गई। तो अब हम इसको पहचान सकते हैं, ये है अ अनार। अब हम इसको अपनी कार्य पुस्तिका में कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए, अब हमें ये हिंदी की कार्य पुस्तिका है, इसमें हमें पृष्ठ संख्या 3 और 4 इन पर हमें लिखित अभ्यास करना है। तो पृष्ठ संख्या 3 पर पहले हम दिनांक डालेंगे, आज का दिनांक, और ये क्लास वर्क पर हम यहाँ पे टिक कर देंगे। और हमें पृष्ठ संख्या 4, हमें यहाँ पर भी दिनांक, और ये क्लास वर्क पर हमें टिक कर देना है। अब देखिएगा, यहाँ पर हमें अ की रचना का पूरा सीखना है। कैसे सीखेंगे, देखिए पहले हम यहाँ पर इन बिंदुओं को मिलान द्वारा हम इसका लिखित अभ्यास करेंगे। जैसे कि आपको बताया है, नीली रेखा से शुरू करते हैं, नीली रेखा के थोड़ा सा नीचे से शुरू करेंगे, अर्धगोलाकार रचना, दूसरी अर्धगोलाकार रचना, और इसको ऊपर तक लेके जाएंगे और इसके पीछे हमारे दूसरे चरण में हम
छोटी सी लेटी हुई रेखा बनाएंगे। आपको इसका ध्यानपूर्वक लिखित अभ्यास करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारी पूरी आ की रचना तैयार है, आ अनार। और इसको हमें ऐसे ही पहले हमें इन बिंदुओं को जोड़ करके इनको लिखना है, और फिर यहाँ पर एक एक बिंदु दिए गए हैं हमें, यहाँ से हमें शुरू करके ये पूरा ये वाला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 3 और पृष्ठ संख्या 4, हमें इनको पूरा करना है। और आपको ये बहुत ध्यानपूर्वक करना है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि आप ये अर्धगोलाकार रचना बना रहे हैं, इसको नीचे वाली नीली रेखा से जोड़ते हुए तब हमें ऊपर लेकर जाना है, तीसरी रेखा तक जोड़ना है। और इसके पीछे जो हम छोटी सी लेटी हुई रेखा बनाएंगे वो बहुत छोटी बनाएंगे, इसको बहुत बड़ा नहीं करना है। देखिए अब यहां पर देखिएगा, बहुत ध्यान हमने इसको यहाँ पर मिलाया है ऊपर ले जाकर नीली रेखा से, इसके पीछे हम छोटी सी नीली रेखा बनाएंगे, छोटी सी लेटी हुई रेखा बनाएंगे नीली रेखा के ऊपर, और एक खड़ी हुई रेखा, और हमें केवल इस खड़ी हुई रेखा के ऊपर ही लेटी हुई रेखा बनानी। ओके,